नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पर मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि एज्योर होता क्या है और एज्योर का फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, फ्री अकाउंट के बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, हमें कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, क्या क्या सर्विसेज हम उसमें यूज कर सकते हैं, एज्योर होता क्या है। ठीक है, तो एज्योर क्या है, व्हाट इज एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फॉर्मली नोन एज विंडोज एज्योर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है तो हम विंडोज एज्योर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज विंडोज नोन एज विंडोज एज्योर इज माइक्रोसॉफ्ट पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इट्स प्रोवाइड ए रेंज ऑफ क्लाउड सर्विसेज इंक्लूड कंप्यूट, एनालिटिक्स, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग्स एंड अदर्स। यू कैन से दैट लाइक वेब एप्स, गेटवेज, यू कैन ऑल गेट ऑल थिंग्स इन एज्योर क्लाउड्स। तो यहाँ पे हम जो भी सर्विसेज, मान लो हमें कंपनी सेटअप करनी है, हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हमें सारी सर्विसेज वहाँ पे मिल जाएंगी। हमें कंप्यूटर सर्वर बनाने के लिए हार्डवेयर चाहिए, ओएस चाहिए, हमें नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करना है तो हम वहाँ पे वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, इंटरनेट गेटवे कन्फिगर करना है, लोड बैलेंसिंग कन्फिगर करनी है, ऑटो स्केलिंग कन्फिगर करनी है, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हर एक सर्विसेज एज्योर से परचेज कर सकते हैं। तो यूजर कैन पिक एंड चूज फ्रॉम दीज सर्विसेज टू डेवलप एंड स्केल न्यू एप्लीकेशन और रन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन इन द पब्लिक क्लाउड। ठीक है, तो इसके बाद आता है कि हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है, तो चलते हैं ब्राउजर कंसोल, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कंसोल पे और देखते हैं अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एज्योर कंसोल। ठीक है, एज्योर कंसोल पे जाने के बाद आपको दिखाएगा कि आपको फ्री अकाउंट क्रिएट करना है या आपको आपका ऑलरेडी अकाउंट है वो लॉगिन करना है। ठीक है, हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कंसोल ओपन करते हैं। अब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट कंसोल आपके ओपन होगी, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की कंसोल, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा अकाउंट क्रिएट करने के लिए और साइन इन करने के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हो, और अगर आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है तो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप साइन इन फ्री अकाउंट्स का ऑप्शन देता है आपको, वहाँ पे फ्री अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं फ्री अकाउंट के अंदर एज्योर में, वो हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्रिएट योर एज्योर फ्री अकाउंट टूडे, गेट स्टार्टेड विद 12 मंथ्स ऑफ फ्री सर्विसेज। मतलब हम अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें 12 महीने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब सब्सक्रिप्शन हमारी वैलिड रहता है, हमारा अकाउंट वैलिड रहता है 12 मंथ के लिए। तो अगर हम 12 मंथ के बाद उसको यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, हम आगे हमारी सर्विसेज अपग्रेड कर सकते हैं, पे एज यू गो मॉडल्स और एनी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। और अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपका अकाउंट डिसेबल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट फ्री भी कर सकते हो और आपको कंपनी के लिए करना है तो आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हम पहले स्टार्ट फ्री में देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें फ्री अकाउंट में। क्या होगा, 12 मंथ की आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी आपकी, 13,300 रुपये क्रेडिट मिलेगा आपको 1 मंथ के लिए जो वैलिड होगा, और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं इस पर, अराउंड 25+ सर्विसेज फ्री हैं जो ऑलवेज फ्री रहती हैं आपकी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपको विच प्रोडक्ट आर फ्री फॉर 12 मंथ्स। 12 महीने के लिए जब हमारी सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगी और हमारा क्रेडिट 1 मंथ के लिए है, 1 मंथ के क्रेडिट एक्सपायर होने के बाद हम कौन सी सर्विसेज है जो 12 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो इसमें आप विंडोज वर्चुअल मशीन में क्या है, कौन सी कोड है आपका, B1SVM मशीन है जो आपको 750 घंटे फ्री मिलते हैं यूज करने के। सेम चीज लिनक्स में आपको 750 घंटे आपको मिलते हैं 12 महीने के लिए, और इसका कोड क्या है VM मशीन का, BANSVM। ठीक है, तो आपको ऐसे ही आपको स्टोरेज में भी लिमिट मिली होती है आपको जो फ्री मिलती है। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं आपको जो फ्री मिलती रहेंगी 12 महीने के लिए कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, अब वट एल्स डू आई नीड टू नो, और मुझे क्या क्या जानकारी होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के बारे में। डू आई पे एनी थिंग टू स्टार्ट विद द एज्योर फ्री अकाउंट, नो।
स्टार्टिंग करने के लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालनी होती है। वहां पे आपको वो 1 रुपी चार्ज करता है जो आपको वापस रिफंड कर देता है। वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल रिक्वायरमेंट इसलिए मैंडेटरी होती है ताकि वो आपका अकाउंट वेरीफाई कर सके कि आप एक वैलिड पर्सन हो या नहीं हो, या कोई भी ऐसे फेक अकाउंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आपको 13,000 क्रेडिट भी ये 30 दिन के लिए देगा। और अगर आप 12 महीने आपकी सब्सक्रिप्शन में क्या क्या फ्री प्रोडक्ट्स हैं और उसके बाद क्या होता है, 12 महीने तक आप यूज कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको अकाउंट अपग्रेड करना है तो आप अपना अकाउंट अपग्रेड कर सकते हो। किसमें? यू विल बी बिल्ड एज ए स्टैंडर्ड पे एज यू गो रेट्स। पे एज यू गो रेट्स आपका माइक्रोसॉफ्ट पर मिनट के हिसाब से पे चार्जेस करता है। ठीक है, ऐसे ही आपको व्हाट हैपन वंस आई यूज 13,300 फ्री क्रेडिट एंड आई एम एट द एंड ऑफ 30 डेज। 30 दिन के अंदर मैंने इतना अकाउंट यूज कर लिया है तो उसके बाद क्या होगा, वी विल नोटिफाई यू सो यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू अपग्रेड टू पे एज यू गो प्राइसिंग एंड रिमूव द स्पेंडिंग लिमिट। तो आपके अकाउंट और 30 डेज एंड होने के बाद और 13,300 क्रेडिट खत्म होने के बाद आपको हम एक मेल नोटिफाई करते हैं जिसमें आपको अपनी सब्सक्रिप्शन अपग्रेड करने के लिए मैसेज होता है। अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो प्रोडक्ट विल बी डिसेबल एंड यू विल नीड टू अपग्रेड टू रिज्यूम यूसेज। अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको उसको फ्यूचर में अपग्रेड करना पड़ेगा। सो व्हाट डू आई नीड टू साइन अप फॉर फ्री अकाउंट्स? ऑल यू नीड ए फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड और एक वैलिड ईमेल आईडी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की हो आपकी या किसी भी अदर आपके हो। ठीक है, तो मेरे पास अभी अकाउंट क्रिएट किया हुआ नहीं है मैंने, तो हम एक बार क्रिएट करते हैं अकाउंट। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट फ्री वाले पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट फ्री पे क्लिक करने के बाद वो आपसे साइन इन पे ले जाता है माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज पर। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट्स है तो आप अपनी अकाउंट डिटेल यहाँ पे डाल के लॉग इन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट वन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्रिएट करने के लिए आपको आपका मेल आईडी पूछेगा यहाँ पे। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का है तो ठीक है, नहीं है तो आप दूसरा डाल सकते हो। मेरे पास नहीं है, जैसे मैं जीमेल का अकाउंट यहाँ पे डालता हूँ अपना। नेक्स्ट करता हूँ। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट कर सकते हो जो भी आपको रखना है। ठीक है, ये डालने के बाद आपसे वो कोड पूछेगा, कोड आपको मेल आईडी पे कोड गया होगा तो आप वो कोड यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना कोड डालता हूँ, मेरे पास कोड आया है। ठीक है, आई वुड लाइक इन्फॉर्म टिप्स एंड ऑफर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे अनचेक कर दो तो आपके पास नोटिफिकेशन और उसके इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको चेक नहीं करता हूँ, इसको कंटिन्यू करता हूँ ऐसे ही। पासवर्ड नहीं एक्सेप्ट किया इसने तो मैं कुछ और ले लेता हूँ यहाँ पे अभी। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, बट उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, सेटिंग करनी होती है बहुत सारी, कि आपको फ्री वाला अकाउंट यूज करना है तो उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछता है, वो क्रेडिट कार्ड डिटेल पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ स्टडी पॉइंट्स। ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोई जरूरी नहीं है, पैन आईडी आपको अगर डालनी है तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे डेमो स्टडी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा तो उसके लिए मैं आपको कोड देगा यहाँ पे, तो ये भी वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं कोड वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद आपसे ये आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल पूछता है।
यहाँ पे अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑप्शन ऐड नहीं किया है, बट यहाँ पे आपको AWS ने क्या किया कि आप यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। डेबिट कार्ड की डिटेल डालोगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, बट माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक ऐड नहीं किया ये ऑप्शन। और सेकेंड चीज़ कि आप एक क्रेडिट कार्ड पे एक ही अकाउंट क्रिएट कर सकते हो फ्री, अलग एक्स्ट्रा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मेरा ये मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया। यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर का डिटेल पूछता है ये, ठीक है। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे अपनी डिटेल्स। ठीक है, आपसे OTP पूछ रहा है जो आपको 2 रुपये चार्ज करेगा, बाद में वो रिफंड हो जाएगा आपका। मैं यहाँ पे OTP डालता हूँ 53। ठीक है, और एग्रीमेंट साइन अप करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको ये दिखाता है कि नो ऑटोमेटिक चार्जेस आफ्टर 30 डेज, 12 20 प्लस सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन आपको फ्री मिलेंगी, 13,300 क्रेडिट मिलेगा आपको 1 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं आपको एज्योर पे क्रिएट करने के। अब जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके लॉग इन विंडो पे आने के बाद आपका एजोर का नॉर्मल जो डैशबोर्ड होता है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। यू आर रेडी टू स्टार्ट विद एजोर studypoint@gmail.com, गो टू पोर्टल। तो मैं यहाँ पे पोर्टल पे जाता हूँ अपने पे, कैसा पोर्टल का ओवरव्यू दिखाएगा मुझे वो। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे 13,300 क्रेडिट मिला है, सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल, और ये मेरे कंसोल। ये भी मेरा डैशबोर्ड नहीं है, नॉर्मली आपको वैसे होम स्क्रीन दिखाता है, ठीक है। इसके बाद हम अगर हमें ओवरव्यू में लेते हैं थोड़ा सा, ये आपका एप्लीकेशन के बारे में दिखाता है, सारी जो जो हमारी एप्लीकेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट में। होम स्क्रीन आपको जो अभी दिख रही है ये होम सर्विसेज होम स्क्रीन।